दर्दनाक खबर इस वक्त आ रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बुलेरो गाड़ी एक ट्रक में घुस गई। बुलेरो में सवार 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद बुलेरो को काट कर शवों को बाहर निकाला। कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। हालांकि ये घटनास्थल की अब तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस जल्द से जल्द गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करती रही। और इस बीच, जैसा कि हमने आपको बताया, बुलेरो में सवार 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद बुलेरो को काट कर शवों को निकाला। ये देखिए कैसे बुलेरो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि पीछे से आ रही बुलेरो कार सीधे जाकर ट्रक के अंदर समा गई, टकरा गई और बुलेरो को काट कर शवों को बाहर निकाला गया। नवाबगंज इलाके के शेखपुर से ये बाराती लौट रहे थे जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। आज दिनांक 19 नवंबर को रात्रि लगभग 11:45 बजे थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बुलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बुलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बुलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बुलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। सभी मृतकों की डेड बॉडी को सीएचसी कुंडा पहुंचाया गया है, जहां पुलिस द्वारा अभी वर्तमान में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। कल दिन में इन सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को भी ओवरसी किया गया। मृतकों के परिजनों एवं जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे वार्ता की गई और इस दुखद घटना में प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन मेरे द्वारा उनको दिया गया है। अभी तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस एम्बुलेंस की, जब शवों को निकाला गया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि जैसा कि आपने सुना, बुलेरो में सवार सभी लोगों की जान चली गई, 14 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ट्रक के अंदर बुलेरो चली गई और उसके बाद जेसीबी मशीन बुलाकर साथ ही कटर के जरिए बुलेरो को काट कर 6 बच्चों सहित 14 लोगों के शव बाहर निकाले गए। पुलिस ने भारी मशक्कत की, बुलेरो को काट कर शवों को बाहर निकाला। नवाबगंज इलाके के शेखपुर से ये बाराती इस बुलेरो कार में लौट रहे थे। और देखिए ये दर्दनाक हादसे की तस्वीर, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कार ट्रक की इस जबरदस्त टक्कर में 14 लोगों की जान चली गई।